जब बुमला सेक्टर से चीनी सेना आगे की तरफ बढ़ रही थी तब उनका मुकाबला करने के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून तैनात थी। जब चीनी सेनाओं का मुकाबला सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून से हुआ तो चीनी सेनाओं को सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के नेतृत्व में उनके जवानों ने बुरी तरह से निस्त नाबूद और धराशायी कर दिया। एक कुशल युद्ध रणनीति का परिचय देते हुए दुश्मन को बुरी तरह से धराशायी कर दुश्मन के कई जवानों को मार गिराया और चीनी सेनाओं को निस्त नाबूद कर दिया, जिससे चीनी सेनाओं का पहला हमला विफल हो गया। हम सब थोड़ा कल्पना कीजिए कि आज ही के दिन में 1962 में यहाँ आके अभी जो मौसम का जो हालात है 58 इयर्स बैक, अभी आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण से थोड़ा ठंड कम हो गया। आप सोचिए 58 इयर्स बैक 23 अक्टूबर में मौसम का क्या हालत रहा था होगा। उसका बावजूद वो यहाँ पे डटे खड़े रहे, दुश्मनों को सामना बड़ी बुलंद से यहाँ पे किया और दुश्मन को मारते मारते वो देश के लिए शहीद हुआ है। उन्होंने जान दे के अपने देश को जो कुर्बानी दिया है उसको हम पूरे देशवासी और खास करके अरुणाचल प्रदेश और तवांग के वासी हमेशा उसको याद करेंगे।